किसी ने कहा है कि पीएम भ्रष्ट अफसर को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोर्ट जा रहे हैं, प्रेस को जा रहे हैं, सीबीआई जो जांच करने वाली इस देश की बहुत बड़ी प्राइम एजेंसी है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी जांच हो रही है, उसके दफ्तर में तालाबंदी हो रही है, लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं रात 12 बजे। इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इस भाजपा सरकार ने सारी संस्थाओं को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रही है। सर बात करें, कल भारत बंद का आह्वान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। अगर भारत बंद का आह्वान किया है तो जरूर वो उसमें सभी लोग देश के शामिल होंगे। वैसे भारत की का काम धाम तो मोदी ने बंद ही करा दिया है। शौरी ने क्या कहा है? अरुण शौरी ने कहा कि सीबीआई के डंडे से प्रधानमंत्री अब खुद उससे डर रहे हैं। सही है, वो जो सीबीआई के अस्थाना थे वह उनकी वर्मा जी जो हटाए गए उनके दफ्तर में ये तमाम सारी इन्वेस्टिगेशन की फाइलें पड़ी थी जिस पे फैसला होना था, वो जांच लगा सकते थे, इसी वजह से ये तमाम सारा काम। एक आखिरी सवाल, इतना बड़ा हंगामा मचा है, राहुल जी को सीरियस नहीं लेती है बीजेपी? और राहुल जी बीजेपी के वो लीडर नहीं है, वो कांग्रेस के लीडर हैं और इस देश की जनता के लीडर हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा उनको सीरियस न ले और 19 में वो चली जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। 19 के लिए महागठबंधन की तैयारी थी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मुझे लगता है कि दिक्कतें पैदा की जा रही होंगी लेकिन चुनाव के वक्त ये महागठबंधन होगा और सारे लोग भाजपा को हराने वाले शक्तियां सभी इकट्ठा होंगी।